वज्रपात न्यूज में आप सबों का स्वागत है। धर्मजीत महतो की रिपोर्ट। चुनाव की रणभेरी बजी नहीं कि राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गणित बैठाने लगे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को थरूहट की राजधानी हरनाटांड में थारू एवं यादव समाज के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता संजय यादव एवं थारू संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद एवं आदिवासी छात्र संघ के नेता लोग मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं उस बैठक में और क्या हुआ। और इस वक्त जो है कांग्रेस के कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जो है संजय यादव मौजूद हैं, और इस समय जो है भारतीय थारू कल्याण महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद के साथ बैठक कर रहे हैं। तो मैं अभी अपने दर्शकों को बताऊंगा कि इस बैठक में आगे क्या हुआ। जैसा कि अभी हमारे सामने मौजूद हैं भारतीय थारू कल्याण महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो इसमें आप सबों की क्या तैयारी है। भारतीय थारू कल्याण महासंघ की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि हमारा थारू एक प्रतिनिधि विधानसभा में जाए। इसके लिए हम लोगों ने दिनांक 16/8/20 को माननीय ब्रजेश पांडे जी जो पर्यवेक्षक के रूप में आए थे उनसे बातचीत करके एक हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है ताकि कि यहाँ एक थारू नवयुवक को थारू समुदाय के एक व्यक्ति को टिकट कांग्रेस पार्टी से दिया जाए। वो उन्होंने आप लोगों के साथ क्या आश्वासन दिया। हम लोगों के साथ आश्वासन दिया है कि आप लोग हमेशा सरकार के तरफ से उपेक्षित हैं, इस बार हम लोग कांग्रेस के तरफ से एक टिकट जरूर देंगे। जैसा कि पहले कांग्रेस पीरियड में 1972 में कांग्रेस की सरकार जो है वो प्रेम नारायण अग्रवाल जी को MLC के लिए टिकट दिया था और उन्होंने 90 तक MLC रहे, इसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि फिर हम लोगों के यहाँ भी यहाँ विधानसभा में टिकट एक थारू समुदाय को मिल दिया जाए। अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो यादव नेताओं के साथ भी आप बैठक या गठबंधन करने की कोशिश करेंगे क्या। यादव समुदाय या उरांव समुदाय या गुण समुदाय जो भी समुदाय हैं सब लोगों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं और फिर आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि अन्य जातियों से भी संपर्क करें और अपनी मांगों को हम लोग उनसे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने अभी थे केंद्रीय अध्यक्ष दीप नारायण प्रसाद जी, जो बहुत बखूबी हमारे दर्शकों को बताया कि इनकी क्या तैयारी है, भारतीय थारू कल्याण की क्या तैयारी है। धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं कांग्रेस कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव संजय यादव जी, जो अभी भारतीय थारू कल्याण महासंघ के संघ भवन में उपस्थित हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बिहार में कांग्रेस जो है चुनाव के लिए क्या क्या तैयारी कर रही है। देखिए, बिहार में कांग्रेस पहले अपना रजिस्टर मेंबरशिप बनाने को लगी हुई है और हम औरों से भी आग्रह करेंगे कि 135 साल पुरानी कांग्रेस में अपनी सदस्यता ग्रहण करें, अपने आप को कांग्रेसी कहकर गौरवान्वित करें, उसके बाद हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और आज जहाँ पे हम बैठे हैं इस समाज के साथ 1990 तक हमारी सरकार थी तो हम किसी न किसी बहाने जुड़े हुए थे, MLC, चेयरमैन, आयोग का अध्यक्ष, किसी न किसी तरह से हम आपका एक सहभागिता हम आपको एक शेयर किए थे। 1990 के बाद हमारी सरकार नहीं आई, उसके बाद जो भी आए आपके साथ नहीं थे, आप हमसे उठे हैं, हम आपको मनाएंगे और आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी जो भी आपकी डिमांड होगी सबसे पहले उस पर गौरव को करेंगे और उसको पूरा करेंगे। हमारी पार्टी ये चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़े, हम अपने पुराने गौरव को प्राप्त करें और आप और हम एक साथ होकर इस विधानसभा में लड़ें जिससे आपको भी मजबूती मिले। अगर थारू समुदाय को अगर कांग्रेस जो है टिकट देती है, महागठबंधन टिकट देती है, तो आप लोगों का क्या पहल रहेगा। हम अपने तन मन धन के साथ ही समाज के साथ जुड़ेंगे और इनको जिताने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जो भी होगा किसी भी इस समुदाय से के आर्थिक मदद, शारीरिक मदद किसी भी तरह का होगा इनको विधानसभा में पहुँचाने को हम तन मन धन से लगेंगे और इनका सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने मौजूद थे संजय यादव जी, जो
कांग्रेस पार्टी के कामगार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, तो इनसे हमने अभी वार्तालाप किया जो बहुत काफ़ी सराहनीय रहा। इस वक्त भारतीय थारू कल्याण महासंघ में आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं पंकज कुमार जी, और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि चुनाव की क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हम चुनाव के बारे में अभी से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी टिकट आने में बहुत लेट है। अभी हम थारू कल्याण महासंघ, बौद्धिक विचार मंच, जो भी यहाँ पर ग्रुप हैं उन सभी को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो भी हमारी जनता हैं वहाँ पर ग्राम स्तर पर ग्राम संयोजकों की बहाली करके और वहाँ पर कैंडिडेट इकट्ठा कर रहे हैं। जो अभी आप लोग लगभग कितने सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करार रखा है? अभी तक हम लोगों ने ग्राम स्तर पर 1500 लोगों की सदस्यता ग्रहण करा चुके हैं और प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस वक्त हमारे सामने मौजूद थे, और इनसे चेहरे से यही लगता है कि विजय जरूर मिलेगी। और मैं इसी सब के साथ अपने दर्शकों को बताऊंगा कि इनकी पहल जो है थारू संघ के साथ मिलके, बौद्धिक मंच से मिलके और अन्य जातियों से मिलके जो है आदिवासी छात्र संघ काम कर रहा है, और इनके कहने के अनुसार 1500 सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।